वैसे तो हवा चलती है ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता बहन का भी, तो उदा तो बहुत मुश्किल है। दिल करता फिर क्या। बस आप बाद बदलों की वजह से ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है तो दोस्त के पास कुछ प्रोग्राम है, उधर निकले हैं हम अभी, तो कुछ टाइम लगेगा उनको पहुंचने में। ये उकाड़े का जो दीपालपुर चौक है ना, उसका ये पुल था। अभी हम उधर से ही आए हैं, तो मैं सुबह से निकला हुआ था, इधर दोस्त के पास आया था, तो इधर से हम नाश्ता करने के लिए गए थे कि जुमे का दिन है और यही टाइम होता है दोस्तों के साथ घूमने का, और यादगार दिन जो होते हैं ये दोस्तों के साथ ही जो गुजार होते हैं यही याद रहते हैं। तो बस ये नाश्ता करके अभी वापस आए हैं, इधर दोस्त के पास ही आया हूँ वापस, अभी घर नहीं गया हूँ। क्यों, घर मैं तकरीबन 11 या 12 बजे जाऊँगा, क्यों मेरा हर जुमे की रूटीन, अगर मैं इधर रहूँ ना उकाड़े में तो मेरी यही रूटीन होती है कि मैं अपने दोस्त के पास आ जाता हूँ, क्यों इधर मेरा टाइम अच्छा और ज़बरदस्त गुजर जाता है और दिल भी लगा रहता है, क्यों घर में अकेला बोर होता रहता हूँ। और दोस्त मुझे इधर घर में छोड़ गया, तकरीबन 12 बजे हुए हैं। जुमे की तैयारी भी करनी थी, मैंने घर में दाखिल हुआ था तो मामू जी ने एक काम जिम्मे लगाया कि एक बच्ची की दवाई है, तो वो लेने के लिए दुकान पे आया हूँ अभी, तो वो बनाते हैं फिर चलते हैं घर में। तो जुमे की तैयारी करते हैं, अभी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, तो अभी सिर्फ 5 मिनट मुझे लगेंगे दवाई बनाने में, बच्ची की दवाई है छोटी सी। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है जुमे की, तो जुमे का टाइम भी हो रहा है, बस टोपी रहती है मेरी नीचे है वो, तो अभी मस्जिद में जुमा पढ़ के आते हैं, क्यों जब से आए हूँ उस वक्त की तैयारी में लगा हुआ था। ये हमारे उगाड़ा की लक्कड़ मंडी है, तो इसमें है मस्जिद जहाँ हम जाएंगे। ये अजान हो भी रही है, ये नुक्कड़ पे है मस्जिद, इसमें जुमा पढ़ेंगे हम। जुमे के बाद तो आराम किया है, तो अभी असर के बाद हम दोस्त के साथ निकले हैं, क्यों मौसम बहुत खूबसूरत था जिसकी वजह से दिल किया बाहर निकलने को। तो कुछ जगह तलाश कर रहे हैं कहाँ बैठा जाए, कहाँ घूमा जाए हमें। ये एमए जनार रोड है उकाड़ा का, तो साईवाल रोड भी बोलते हैं। मैंने जहाज इधर ही आवा, जहाज वाले जाना इधर आने बेटा, कट फिर अगे जाना। ये उकाड़े का बहुत खूबसूरत मंदिर है, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है इधर का। ये उस दिन भी मैंने बताया था कि इस साइड पे स्टॉल लगे होते हैं, ये वही एरिया, तो पीछे स्टॉल गुजर चुके हैं, तो रात को इधर ज़्यादा खूबसूरत मंदिर होता है, रश भी ज़्यादा होता है रात को। ये सरकारी एरिया है, सरकारी है ना, कि ये उकाड़े की कचहरियाँ हैं, ये देखें, तो ये एरिया भी बहुत खूबसूरत है।
लॉकडाउन के शुरू में हमारे जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं ज़ैनुल आबदीन और मुबशर सदीक और मुदसर भाई, ये लॉकडाउन के शुरू में इधर इस एरिया में आए थे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो इधर आए थे, मेरा बहुत दिल करता है उनको मिलने के लिए। तो वो एक प्रोग्राम था इधर, उसकी वजह से आए थे, मगर वो कैंसिल हो चुका था तो वापस जाना हुआ, वो चले गए थे। तो मुझे जब पता चला तो मुझे अफसोस हुआ। ज़िंदगी रही तो उनसे मिलेंगे ज़रूर, क्यों मेरा इरादा है उनसे पक्का मिलने का। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात ज़रूर होगी। लेडीज़ पार्क है इसमें, ये उखाड़ा का बहुत ही खूबसूरत एरिया है जी। ये कितनी तर्ज से बनाया है, शाही किले, ये शाही किले के कुछ नक्शा दिया हुआ इधर, ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। ये एक पार्क है मुकम्मल, अभी तो कुछ वीरान सा लग रहा है पार्क, कुछ रश नहीं है क्यों दूसरी साइड पे काफ़ी रश है। साथ साथ दो तीन पार्क हैं, एक लेडीज़ पार्क आपको दिखाया है, एक फैमिली पार्क, तो उन्हीं में रश है ज़्यादा, इधर कम आते हैं। बाहर घूमने का मज़ा सिर्फ मौसम के साथ होता है, क्यों जैसा ये गर्मी का माहौल है, मौसम कुछ बेहतर हो तो बाहर निकलने का मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी गर्मी भी है, हबस भी है, क्यों पार्क में ऐसा माहौल होता है, क्यों अभी हवा नहीं चल रही है लेकिन बादल हो रहे हैं जिसकी वजह से हबस काफ़ी हो रहा है और बर्दाश्त भी कर रहे हैं हम, क्यों बादल भी आप दोस्तों को अभी दिखाते हैं कितने गहरे और ज़बरदस्त हो रहे हैं कि शायद बारिश का माहौल बन जाए, तो लगता तो नहीं है क्यों कल भी ऐसे बादल रहे हैं मगर बारिश नहीं हुई है, तो आज भी वैसे ही है। देखें बादल कितने खूबसूरत, चारों तरफ ऐसा ही माहौल है। वैसे तो हवा चलती है ना फिर ज़्यादा मज़ा आता बहन का भी, तो उदा तो बहुत मुश्किल है, बस आप बदलों की वजह से ना। हम अब इधर से निकल चुके हैं, नहीं बैठा गया ज़्यादा टाइम, तो ये कचहरियों का गेट है इधर से हम निकलेंगे अभी बाहर को। अभी पहुंचे हैं घर में, तो ऊपर आया था, गर्मी काफ़ी हो रही है, बस भी है, अब कुछ थोड़ी थोड़ी सी इधर हवा लगने लगी है, तो मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 15-20 मिनट बाकी रहते हैं, क्यों मगरिब के बाद मैंने क्लास में जाना है, क्यों सुबह मेरा पहला पेपर है और आप सब मेरे जो बहन भाई मुझे देखने वाले हैं उनसे छोटी सी इल्तमास है कि हमारे हक में दुआ करें कि पेपर अच्छे हो जाएं और खैर वाफियत से हो जाएं और खैर खैरियत से हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो बस खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। तो अभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, क्यों सुबह से मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया, तो ये डाटा केबल मेरी नीचे थी लैपटॉप के बैग में और अडाप्टर ऊपर पड़ा था, तो इसलिए अभी इसको इधर ही चार्जिंग पे लगाते हैं। अभी क्लास में जा रहे हैं पेपर की तैयारी करने के लिए, रात का टाइम है, मगरब का अभी मगरब की नमाज हुई है, थोड़ी सी देर हुई है अभी 15-20 मिनट, तो
कुछ तैयारी करेंगे, कुछ देखेंगे पेपर की सूरत हाल। थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी आया हूँ मदरसे से, तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।